25 वर्षों से मैं एक वीडियो क्लिप नहीं देखा हूँ यहाँ की किसी सांसद को। हमारे पिता तुल्य मांझी जी को मैंने देखा, 40 वर्ष से वो राजनीति में मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, कई पद पे रहे, लेकिन पता नहीं रंग बदलने में बहुत मजा। कभी ललटेन से, कभी जेडीयू से, कभी भाजपा से, कभी आम से, हमने ऐसा कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा इतना। ये होगा कि युवा साथी ने युवाओं के लिए नौकरी की मांग की थी, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, सभी जाति धर्मों की बात किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में लोकसभा के चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इस बीच तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है बिहार के। गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद की जनता आज अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा के 40 में 4 सीटों पर चुनाव होने हैं बिहार में आज, और मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। इस बीच तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गया से एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में बिहार सरकार के मंत्री वोट डालने साइकिल से पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रेम कुमार बिहार सरकार के मंत्री हैं और साइकिल पर सवार होकर ही अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। देखिए, अनोखा अंदाज है प्रेम कुमार का। लेकिन दूसरी ओर कुमार सर्वजीत एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में है। देखिए, इंडिया अलायंस से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी के खिलाफ मैदान में हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुमार सर्वजीत वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कुमार सर्वजीत की, जो वोट डालने ई रिक्शा पर सवार होकर मतदान केंद्र तक जा रहे हैं। देखिए, ये गया की तस्वीर है और गया में शांतिपूर्वक मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। लगातार जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, वो शांतिपूर्वक मतदान कराने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच पहले सुनवाते हैं आपको गया से आरजेडी के कैंडिडेट कुमार सर्वजीत ने मत का इस्तेमाल करने के बाद क्या कुछ कहा है। पहुंचे थे क्या? देखिए, आज तो लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में मैंने देश के और बिहार के और जिले के लोगों से अपील किया और कि ये वोटिंग करने से जिले के और देश का तकदीर और तस्वीर बदलती है, इसलिए अपील किया। और टोटो से आने का मतलब है कि पर्यावरण को एक संदेश देना। जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, बारिश जून में होनी चाहिए, दिसंबर में हो रही है। तो मैंने देश को एक संदेश दिया है, क्योंकि आप दिखाओगे पूरे दुनिया को आज के दिन का कि भाई कैंडिडेट वोट देने आया था। तो मुझे बोला कि पर्यावरण पे एक संदेश जाना चाहिए, इसलिए हमने फोटो। सर, आप लगातार घूमे हैं, सर कैंपेनिंग किए हैं, लोगों का कैसा समर्थन मिला था, जीत को लेकर कितना स्वस्थ? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं जिस गांव में गया लोगों ने कहा कि 25 वर्ष तक गया के कोई भी सांसदों ने अपनी बात नहीं रखी जिले के लिए। और मैंने अपील किया करता हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री को सांसदों के लिए एक नियम बंधन होना चाहिए कि अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है सदन के अंदर, वो सार्वजनिक कर देना चाहिए। 25 वर्षों से मैं एक वीडियो क्लिप नहीं देखा हूँ यहाँ की किसी सांसदों को। हमारे पिता तुल्य मांझी जी को मैंने देखा, 40 वर्ष से वो राजनीति में मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, कई पद पे रहे, लेकिन पता नहीं रंग बदलने में बहुत माहिर है। कभी बोधगया से, कभी बाराचट्टी से, कभी इमामगंज से, कभी मखदुमपुर से, कभी ललटेन से, कभी जेडीयू से, कभी भाजपा से, कभी आम से, हमने ऐसा कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा इतना। इसके बाद भी तो जो व्यक्ति रंग बदलता हो उसको जनता सर्फ जानते हैं ना, सर्फ से धो देगी, कलर छूट जाएगा। सर, आपके क्षेत्र के युवा काफी सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, सर युवा वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसलिए होगा कि युवा साथी ने युवाओं के लिए नौकरी की मांग की थी, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, सभी जाति धर्मों की बात किया। काफी संख्या में ऐसे वोटर हैं सर जो 2014 में 8 साल के थे और नौकरी भी उनके कोई न कोई परिवार में पाया है, इसलिए वो एग्रेसिव है। वो देख रहे हैं कि तेजस्वी ने मेरे बड़े भाई को नौकरी दिया है तो आने वाला समय हमारी भी हो सकती है। सर, गया में प्रधानमंत्री भी आए थे, प्रधानमंत्री भी सबको, प्रधानमंत्री को बहुत शुक्रिया, आप गया आए भगवान विष्णु के पवित्र धरती में, समझ रहे ना बात को, गया क्यों आते हैं लोग। पिंडदान करने
तो कुमार सर्वजीत को आप सुन रहे थे पूरे परिवार के साथ। कुमार सर्वजीत ने गया में आज अपने मत का इस्तेमाल किया है, वोट किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार जनता नौकरी रोजगार के मुद्दे पर, पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दे पर वोट कर रही है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।